अस्सलाम वालेकुम। आप मेरी ये वीडियो अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप के थ्रू देख रहे होंगे। मैं आपको आपके स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप के बारे में एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता चलूं। और वो फैक्ट ये है कि कोई भी स्मार्ट डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप की लाइट इमिट करती है और इस लाइट को ब्लू लाइट कहते हैं। ब्लू लाइट के बहुत से यूजफुल पर्पजेज होते हैं। ब्लू लाइट हमारी अलर्टनेस को बूस्ट करती है। इसके अलावा ये हमारे सर्केडियन रिदम को भी रेगुलेट करती है। लेकिन बहुत सैडली मैं ये कहूँगा कि रिसेंट रिसर्चेस से ये बात सामने आई है कि ब्लू लाइट की हमारे आईज़ की हेल्थ पर बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। ब्लू लाइट रेटिना में प्रेजेंट फोटोरिसेप्टर सेल्स को किल करती है और इस तरह हमारी सेंट्रल विजन को इफेक्ट करती है। फोटोरिसेप्टर सेल्स अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो वापस रीजनरेट नहीं हो सकते। ब्लू लाइट सन से आने वाली सनलाइट में भी प्रेजेंट होती है, जिससे प्रोटेक्शन के लिए हम सनग्लासेस पहनते हैं। ब्लू लाइट की वेवलेंथ लाइट के दूसरे कलर्स की निस्बत बहुत शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से ये बहुत टॉक्सिक होती है। ब्लू लाइट की वजह से बॉडी में मेलाटोनिन की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाती है। मेलाटोनिन ही वो केमिकल है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। जब हमारी बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता तो हमें नींद नहीं आती। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लू लाइट सन से आती है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को ये रियलाइज करवाती रहती है कि नाइट में भी डे टाइम है, और फिर हमें नींद आना और भी मुश्किल हो जाता है। स्क्रीन का ज़्यादा यूसेज हमारी आई में एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज करवाता है, जिसे एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन कहते हैं। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन ज़्यादातर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक जैसे जैसे स्क्रीन यूसेज की बढ़ती हुई शरह देखी गई है, वैसे वैसे एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए और 60 साल से कम उम्र के लोगों में भी होते हुए देखा गया है। एक अंदाजे के मुताबिक 2040 तक दुनिया की 288 मिलियन आबादी को एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन होगी। जैसा कि हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सेंट्रल विजन में खराबी का बाइस बनती है। इसके साथ ही ब्लू लाइट आइस में कुछ पॉइजनस मॉलिक्यूल्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। अगर कंप्यूटर स्क्रीन का हद से ज्यादा यूज किया जाए तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन के साथ साथ एक और कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के सिम्टम्स में ब्लर्ड विजन, पेन इन शोल्डर और नेक, ड्राई एंड रेड आइस और कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी वगैरह शामिल है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का सबसे बड़ा रीजन कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा होर्स तक ब्लिंक के बगैर फोकस करना है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए हमें जिन प्रिवेंशंस को फॉलो करना चाहिए, उनमें स्क्रीन को अपनी आम जितने डिस्टेंस तक दूर रखना, बार बार ब्लिंक करना और ब्राइटनेस को कम रखना वगैरह शामिल है। 20-20-20 रूल को फॉलो करके कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के रिस्क को कम किया जा सकता है। ये रूल ये कहता है कि हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड तक फोकस किया जाए। अगर कुछ प्रिवेंशंस के साथ आप अपनी स्क्रीन को यूज करें तो ये आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जरा सी भी लापरवाही खतरनाक साइड इफेक्ट्स का बाइस बन सकती है।